डबोई के साथोद गांव से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रवेश बंदी के बैनर लगवा दिए गए हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की ओर से क्षत्रिय समुदाय के खिलाफ विवादित टिप्पणी दी गई थी, जिसे लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसी के मद्देनजर बढ़ते हुए विरोध के बीच डभोई तालुका के साठोद गांव में राजपूत समुदाय की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए प्रवेश बंदी के बैनर लगवा दिए गए हैं। दरअसल राजपूत समुदाय ने इस मामले में पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ तालुका मथक पर आवेदन पत्र भी दिया था, जिसके बाद अब प्रवेश बंदी के बैनर लगा दिए है। और साथ ही ये मांग राजपूत समुदाय की ओर से रखी जा रही है कि जब तक पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द नहीं की जाएगी, तब तक साठोद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राजकोट ना उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला जारे क्षत्रिय समाज ने टार्गेट राखी ने जारे क्षत्रिय समाज विषय अभद्र टिप्पणी करी है, त्यारे साठोद राजपूत समाज एना आ निवेदन ने वखोड़ी नाखे छे। अने अमारा राजपूत समाज साठोद राजपूत समाज तथा अन्य समाजों की साथे रहीने अमे स्टेन्ड पर रूपाला बायकॉट तथा भाजप बायकॉटनू बेनर लगावी छे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।